राम राम जी। हमारे यहाँ पहलवान अखाड़े से लेकर ओलंपिक तक जितने भी पहलवान है वो सब देसी वर्कआउट करते हैं, जिनमें सपाटे कॉमन है। सपाटे एक दंड होता है जिसको हमारे देश के पहलवान अपनी ट्रेनिंग के दौरान खूब लगाते हैं। ओलंपिक में जो रेसलर है वो इस दंड को सपाटे को वर्कआउट से पहले भी और बाद में भी हजारों की संख्या में लगाते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में संजय पहलवान को भगत है, जिन्होंने सिर्फ सपाटे दंड लगाकर बॉडी तैयार की है। बॉडी आप देख सकते हो कितनी बलशाली है और स्टेमिना भरपूर है। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है सपाटे का। और इसके अलावा सोनीपत के एक पहलवान जो कि स्टेंदर डागर WWE में रेसलर है, जब उनके YouTube पर लोगों ने उनसे एक्सरसाइज पूछी, मतलब वर्कआउट पूछा, तो उन्होंने एक वीडियो डालकर सपाटे एक्सरसाइज करने के लिए बोला सबको। उन्होंने ये बात भी बोली कि जब वो अखाड़े में थे तब भी सपाटे लगाते थे और आज WWE में आने के बाद भी जब उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तब भी वो सपाटे की ट्रेनिंग करते हैं, अपनी देसी वर्कआउट करते हैं खूब दबाकर, क्योंकि इससे स्टेमिना और स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, जो कि सच भी है। सत्येंद्र डागर रेसलर ने जो ये बात खुद बोली है। और यहाँ तक कि अगर आप हमारे देश में नेशनल इंटरनेशनल पहलवानों की प्रोफाइल अगर देखोगे, जैसे कि बजरंग पुनिया और भी बहुत सारे, ये सब वर्कआउट से पहले भी और बाद में भी हर रोज़ सपाटे लगाते हैं अलग अलग तरह से। अब मैं आपको तीन तरह के सपाटे बताऊंगा जो कि आपको वर्कआउट से पहले लगाने हैं। जो भी वर्कआउट आप करते हो, जिम करते हो, होम वर्कआउट करते हो, कुछ भी देसी वर्कआउट करते हो, उससे पहले सिर्फ ये तीन तरह के सपाटे दंड लगाने हैं। इसको होगा क्या लगाने से वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। बाकी आप सबसे पहले ये वर्कआउट समझ लो, बहुत तगड़ा वर्कआउट है ये सपाटे का। पहला तरीका, आपको सबसे पहले इस तरह सपाटे लगाने हैं जिस तरह आप देख पा रहे हो वीडियो में। जितने हो सके उतने लगाओ और स्पीड इतनी रखनी है कि आपकी पोजीशन तरीका सही रहे लगाने का। हर मसल्स पर बराबर प्रेशर आना चाहिए। एक साधारण दंड लगाना है इस तरह, फिर सिंपल खड़े हो जाना है, फिर दोबारा से लगाना है नीचे आकर, फिर खड़े हो जाना है। इस तरह इसका एक सेट आपको लगाना है। जितने आप लगा सकते हो उतने लगाने की कोशिश करें। दूसरा तरीका, फिर आपको इस तरह सपाटे लगाने हैं। सबसे पहले एक दंड लगाओ, फिर ऊपर आकर एक जंप लो इस तरह, फिर नीचे आकर एक दंड लगाओ, फिर ऊपर आकर आपको जंप लगानी है। इस तरह बार बार बिना रुके आपको ये सपाटे दंड लगाने हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाकर रखें इसमें, क्योंकि इस सपाटे से फुर्ती बढ़ेगी, आपके शरीर की स्पीड बढ़ेगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु ध्यान दें, सपाटे में आपको कुंभक हमेशा लगाना है, इसके बिना कुछ नहीं है। कुंभक का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको सांस भरना है, फिर एक दंड लगाना है, फिर ऊपर जब आप आते हो फिर सांस छोड़ देना है। इस तरह सांसों पर ध्यान देकर ये दंड लगाने हैं खूब दबाकर, और एक सेट लगाना है इसका जितना आप लगा सकते हो, मतलब एक सेट के अंदर जितने रेपिटेशन आप लगा सकते हो उतने लगाने हैं। तीसरा तरीका, आपको एक दंड लगाना है फिर बैठ जाना है ऐसे, फिर दोबारा एक दंड लगाना है फिर बैठ जाना है, इस तरह लगाना है आपको। आपको धरती से आपके पैर नहीं उठने चाहिए, मतलब ये है, आपको खड़ा नहीं होना इस दंड में, ये नियम ध्यान रखना। आपको सांस भरना है, दंड लगाना है, बैठना है, सांस छोड़ देना है, ऐसे करके दोबारा से दंड लगाना है, फिर जब आप बैठते हो सांस छोड़ देना है, फिर सांस भर के एक दंड लगाना है, इस तरह आपको ये दंड लगाना है। इसके भी एक सेट में जितने आप लगा सकते हो उतने लगाने हैं। ये हो गए आपके तीन सपाटे दंड कंप्लीट। ये तीन तरह सपाटे वर्कआउट आपको लगाने हैं, एक दिन छोड़कर आप लगा सकते हो। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट नियम ध्यान रखना है इन दंडों का, सबसे पहले तो कुंभक जो मैंने आपको पहले बताया, कुंभक जरूर लगाना है, सांस वाला नियम ध्यान रखना है। दूसरा नियम ध्यान रखना है, ये सपाटे जो है वो खुले में लगाने हैं, मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन हो, शुद्ध हवा में, कोशिश करें खुले में लगाने की। बाकी उससे होगा क्या कि अधिक बल की प्राप्ति होगी, मतलब डबल फायदा होगा आपको। बाकी अगर आपकी मजबूरी है तो भाई जिम में भी लगा सकते हो। अब उसके बाद बात आती है इसके फायदों की, मतलब जो आप सपाटे दंड ये लगाओगे इनसे फायदा क्या क्या होगा, होता क्या है इनसे बॉडी में। सबसे पहला फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा इनसे होता है, आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। देखो, आप कुछ भी दंड लगा रहे हो, आप जिम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके अंदर स्टेमिना होना जरूरी है। आपने अपनी बॉडी चौड़ी कर ली, मसल्स बना ली, आपके अंदर स्टेमिना नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। स्टेमिना होना चाहिए। रेसलर जो है, पहलवान जो है, इन्हीं दंडों से स्टेमिना बनाते हैं, मतलब क्योंकि उनका मानना है कि इन दंडों से सबसे जल्दी और बढ़िया स्टेमिना बनता है और बरकरार भी रहता है इनसे स्टेमिना। क्योंकि कभी कभी जब पहलवान अपनी ट्रेनिंग छोड़ देते हैं तो इन दंडों को नहीं छोड़ते, इन दंडों को जरूर लगाते हैं वो, ठीक है। तो ये दंड आपको जरूर लगाने हैं। ये दंड मतलब आप जिम से पहले लगाओ, बाद में लगाओ, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। पहले लगाना सही है, इससे आपकी बॉडी भी वार्म अप होगी। जब बॉडी गर्म हो जाएगी ना इससे, ठीक, तो वर्कआउट करने में और मज़ा आएगा। इससे बॉडी बहुत गर्म हो जाती है इन दंडों से। और सबसे बड़ा फायदा जो मैंने आपको बताया, स्टेमिना, किस चीज़ का स्टेमिना, भागने का स्टेमिना, फाइट करने का स्टेमिना, हर तरह का स्टेमिना आपके अंदर बिल्ड होगा इन सपाटे को लगाने से। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इनको, इससे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा स्ट्रेंथ आपके अंदर होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपको हर तरह से, आपकी बॉडी मजबूत बनेगी, लोहा बनेगी, समझ रहे हो। क्योंकि जब भी आप ये दंड लगाओगे तो पूरी मसल्स की, सभी मसल्स पर, जितनी भी पूरी बॉडी की मसल्स है सब पर प्रेशर आएगा। आपकी काल्फ मसल्स, चेस्ट, शोल्डर, बैक मसल्स, आपके चेस्ट मसल्स, आपके पूरे हाथ मजबूत हो गए, बार बार आर्म्स पर प्रेशर पड़ता है,
तो ये तीन तरह के दंड भाई बहुत बहुत खतरनाक दंड है, ये आपको जरूर लगाने हैं। फेफड़े मजबूत होंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और भी इसके अलावा आपके अंदर स्पीड बढ़ेगी, फुर्ती। ये तीन फायदे जो मैंने बताओ ये मेन है, और इसके बिना कुछ नहीं है, ये आपके अंदर होने ही होने चाहिए बस। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वर्कआउट से पहले जरूर लगाएं। अगले वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।